चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 21। अभी तक हम लोग 20 पार्ट देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह का एक आई बटन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करिए तो आपको हमारी पूरी सीरीज मिल जाएगी। ये 3 डॉट के बगल में होता है, ओके, यहाँ पर कॉर्नर में होता है। आप लोग जानते होंगे जर्नलिस्ट के बारे में, इस पे क्लिक करेंगे तो पूरी सीरीज मिल जाएगी, जिसमें इकोनॉमिक्स मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई है और आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सचेंजिंग रेट को लेकर के, मतलब इसका जो विनियमन दर होता है वो कैसे डिसाइड होता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे 1 डॉलर है वो 60 रुपए के बराबर कभी होता था, 1 डॉलर है वो अभी लगभग में 70 रुपए के आसपास चलता है। ये कम ज्यादा होता रहता है, जैसे अभी मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी ये 70 रुपए के आसपास चलता है। हो सकता है आप इस वीडियो को कुछ दिनों के बाद देखें, कुछ महीनों के बाद देखें, तो ये और कम ज्यादा होता है। तो इसी को हम देखेंगे कि ये कैसे डिसाइड होता है कि 1 डॉलर है वो कितने रुपए के बराबर होगा, यानी कि जो ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू है ये हम लोग देखेंगे कि कैसे डिसाइड की जाती है, और पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं जिन्हें वर्ल्ड अपनाता है, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं तो सभी अलग अलग प्रणालियां अपनाते हैं। और भारत कौन सी प्रणाली अपनाता है, जो इंडिया है वो कौन सी प्रणाली अपनाता है, और सिर्फ वही क्यों अपनाता है जो है और क्यों नहीं अपनाता है। तो इन सभी टॉपिक के बारे में हम बहुत ही विस्तृत से बात करेंगे। देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, ये जो प्राइस कम ज्यादा हो रहा है ना, जैसे 1 डॉलर 70 है, 1 डॉलर कभी कभार 75 रुपए के बराबर हो जाता है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है। लास्ट वीडियो में हमने इम्पैक्ट के बारे में बात की थी कि हमारे देश पर जो ट्रेड है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे देश की इन्फ्लेशन, रोजगार, तो बहुत विस्तृत से हम लोगों ने बात की थी, ओके। तो इम्पैक्ट हम लोगों ने देख लिया, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग जिस प्रणाली को अपनाते हैं उसी को क्यों अपनाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1 डॉलर 1 रुपए के बराबर हो जाए लास्ट वीडियो में, पार्ट नंबर 20 में, और 1 डॉलर 1,000 रुपए के बराबर हो जाए, ये दोनों कंडीशन भारत के लिए अभी ठीक नहीं है। इसीलिए हम लोग जिस सिस्टम को अपनाते हैं उसे कहते हैं मैनेज सिस्टम, मतलब हम लोग चाहते हैं कि जो वैल्यू है रुपए की वो संतुलित रहे, ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा ज्यादा हो, ओके। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए वर्ल्ड में 3 तरह के सिस्टम अपनाए जाते हैं। नंबर 1 क्लीन फ्लोट सिस्टम, जिसको दूसरी भाषा में फ्री फ्लोट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है डर्टी फ्लोट सिस्टम, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं मैनेज फ्लोट सिस्टम, और तीसरा है पिग सिस्टम। ये सबसे खतरनाक ये है। देखिए हम चलिए वन बाई वन सबको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र प्रभाव प्रणाली भी इसको बोलते हैं। देखिए हिंदी में देख लीजिए, देखिए स्वतंत्र प्रभाव प्रणाली, देखिए इसके हिंदी नाम से या फिर इंग्लिश नाम देखेंगे इसी से आपको समझ में आ जाएगा। स्वतंत्र प्रभाव मतलब इसका क्या है, मतलब कि जो रुपया है या फिर डॉलर है वो स्वतंत्र रूप से उसका प्रभाव हो रहा है, उसी के अनुसार उसकी वैल्यू है वो डिसाइड की जाएगी। जैसे ये वर्क करता है मांग और आपूर्ति पर, आपूर्ति और मांग होती है इस पर डिसाइड करता है। मतलब इसका क्या हुआ, जैसे अगर हम अपने देश का एग्जाम्पल लें तो डॉलर है, डॉलर की आपूर्ति ज्यादा हो गई और इसकी मांग है वो कम हो गई, इसकी मांग है वो कम हो गई और डॉलर की आपूर्ति ज्यादा होगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, डॉलर होगा वो कमजोर हो जाएगा और इसकी मांग है वो भी कम होगी, तो इसकी जो इसकी वैल्यू है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। तो जैसे आपूर्ति ज्यादा होगी, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पहले ही बात कर ली है, मैंने आपको इन्फ्लेशन में बताया था, जिस तरह आपूर्ति ज्यादा होगी और मांग कम हो जाएगी तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और इसी तरह अगर आपूर्ति कम हो जाए, आपूर्ति कम हो जाए और मांग ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी वो हाई हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे एक मार्केट है हमारे देश में, जैसे कि मान लेते हैं कि 100 कार हैं, ओके 100 कार हैं, हमने मानते हैं 2019 में 100 कारों का प्रोडक्शन किया, मार्केट में 100 कार हैं, और इधर जो डिमांड है वो 1,000 हो गई, 1,000 लोग हैं जो कार की डिमांड कर रहे हैं, जो कार की डिमांड कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, ये तो मांग हो गई ना, और आपूर्ति हमारे पास कितनी है, सिर्फ 100 कारों की आपूर्ति है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पर मांग क्या हो गई, बढ़ गई है, और आपूर्ति क्या है, यहाँ पर कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कार के दाम बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि खरीदने वाले कितने हैं, 1,000 लोग हैं, वो 1,000 कार चाहते हैं,
ओके, तो क्या करेंगे दुकानदार होंगे, ये प्राइस बढ़ा देंगे। तो इसी तरह समझ लीजिए, अगर यहाँ पर कार की जगह डॉलर समझ लीजिए और लोगों के यहाँ पर रुपए समझ लीजिए। अब देखिए डॉलर कम है यहाँ पर, जिस तरह कार यहाँ पर कम है और लोगों की डिमांड ज्यादा है, ओके, यानी कि रुपए लोगों के पास ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिस तरह यहाँ पर कार की वैल्यू बढ़ जा रही है। इसी तरह इसका अपोजिट मान लीजिए, मानते हैं 100 कार है, मानते हैं 100 कार है, 100 कार है, ये क्या होगी, आपूर्ति हो गई ना, और मांग कम हो गई। इस बार मानते हैं 10 कार की ही मांग है, इस बार मांग है, ओके। अब देखिए 10 कार की ही मांग है, लेकिन आपूर्ति कितनी है, ज्यादा हो गई ना, आपूर्ति इस कंडीशन में ज्यादा हो गई और मांग तो कम हो गई ना, तो क्या होगा, इन जो कार है इनके दाम बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम हो जाएंगे। अब कार की जगह आप डॉलर रख लीजिए और यहाँ पर मांग की जगह रुपया रख लीजिए। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी डॉलर सस्ता हो जाएगी एक तरह से। तो आप लोग समझ गए कि किस तरह बात करता है, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। जितनी ज्यादा मांग होगी, जितनी ज्यादा मांग होगी और सॉरी जितनी ज्यादा आपूर्ति होगी और जितनी कम मांग होगी, इसी अनुसार वो डिसाइड होता है, यानी कि मांग आपूर्ति पर। जिस चीज की मांग ज्यादा हो जाएगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसकी मांग कम हो जाएगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये क्या होता है, एक तरह से स्वतंत्र रूप से चलता है। तो ये किस पर डिसाइड करता है, मांग सॉरी आगमन और पलायन पर डिसाइड करता है, और बाजारी ताकतें होती है ना वो इसको डिसाइड करती है, यानी कि इसमें किसी भी बैंक या फिर सरकार यानी कि जो गवर्नमेंट होती है उसका हस्तक्षेप नहीं होता है। ओके, इसमें क्या होता है, नंबर एक बात होती है, जो राज्य होता है मतलब स्टेट होता है यानी कि गवर्नमेंट होती है उसका हस्तक्षेप नहीं होता है। फर्स्ट वाली सिस्टम है, जो पहली प्रणाली है, इसमें गवर्नमेंट या किसी भी राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। मांग और आपूर्ति के आधार पर जो एक्सचेंजिंग रेट है वो डिसाइड की जाती है। अब बात आती है कि इसको कौन अपनाता है, तो इसको विकसित देश अपनाते हैं। कौन, जो विकसित देश है, जैसे कि यूएसए हो गया, यूरोपियन देश हो गए, बहुत सारे यूरोपियंस कंट्री हो गई, ये सारे देश हैं वो इसी प्रणाली को अपनाते हैं। इसी के आधार पर वो अपनी जो घरेलू मुद्रा है, डोमेस्टिक करेंसी है, उसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं। लेकिन हम किस में आते हैं, हम आते हैं विकासशील देशों में, हम नहीं चाहते। मैंने आपको बताया था कि 1 डॉलर है वो 1 रुपए के बराबर हो जाए और 1 डॉलर 1,000 रुपए के बराबर हो जाए, हम ऐसी दोनों कंडीशन नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे रुपए की जो वैल्यू है वो संतुलित रहे, क्या रहे, संतुलित रहे। तो संतुलित रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और हस्तक्षेप कौन करेगा, आरबीआई करेगी, देश की केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करती है। यानी कि हम हस्तक्षेप करके इसे पुनः उस स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं जिससे हमारे देश की कंडीशन खराब ना हो। इसीलिए हम जिस प्रणाली को अपनाते हैं उसे कहते हैं डर्टी फ्लोट सिस्टम या मैनेज फ्लोट सिस्टम, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रबंधित प्रवाह प्रणाली। मतलब हम अपने अनुसार इसमें एक परिसीमन ला देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या होती है, एक केंद्रीय बैंक होती है, हमारे देश की केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई, ओके। और हम जिस सिस्टम को अपनाते हैं वो यही है, भारत है वो इसी सिस्टम को अपनाता है, ओके। तो आरबीआई क्या है, हमारे देश की केंद्रीय बैंक है, इसने एक मनोवैज्ञानिक परिसीमन तय कर देती है। जैसे ये डिसाइड कर देती है, अगर 50 रुपए से 60 रुपए के बीच में अगर डॉलर की वैल्यू रहती है, तब तक वो इसमें कुछ भी यानी कि हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये किस अनुसार काम करेगा, फ्री फ्लोट सिस्टम की तरह काम करेगा। लेकिन क्या हुआ, अगर 1 डॉलर कभी 49 रुपए या फिर इससे कम होने लगता है, फिर वो हस्तक्षेप करके इसको बढ़ाने का प्रयास करती है। इसी तरह अगर डॉलर की कीमत 60 रुपए से ऊपर हो जाए, ओके, 60 रुपए से ऊपर हो जाए, तो वो कोशिश करती है कि हस्तक्षेप करके कि पुनः वो इस बीच में आ जाए, 50 से 60 रुपए के बीच में, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था है वो संतुलित रूप से विकास करती रहे, ओके। तो परिसीमन का मतलब क्या है, वो एक तरह से डिसाइड कर देती है कि डॉलर की कीमत इसके और इसके बीच में रहेगी, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन इससे कम ज्यादा होगी तो हम हस्तक्षेप करेंगे, ओके। तो इसमें देखिए, पहले इस परिसीमन से पहले, जो परिसीमन है इससे पहले जो आरबीआई है, जो हमारे देश की केंद्रीय बैंक है, वो कुछ भी नहीं करती है। एक किस तरह काम करता है, जो वैल्यू डिसाइड होती है वो इसकी तरह डिसाइड होती है, क्लीन फ्लोट सिस्टम की तरह डिसाइड होती है, यानी कि आगमन और पलायन है, इसी पर वैल्यू वैल्यू है
वो डिसाइड होगी। ओके, बाजारी ताकतों पर इसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन जैसे ही इस परिसीमन को जो वैल्यू है वो पार करती है, मतलब कम होती है या फिर ज्यादा होती है, फिर आरबीआई हस्तक्षेप करती है। आरबीआई हस्तक्षेप क्यों करती है? हस्तक्षेप करके वो पुनः इस परिसीमन में लाने का प्रयास करती है, इस परिसीमन में लाने का प्रयास करती है। क्यों करती है? जिससे हमारे देश का, जो हमारा देश है, इसमें एक सतत विकास होता रहे, सतत विकास होता रहे। आप लोगों ने देखा है ना कि मैंने आपको पहले ही बताया प्रभाव के बारे में, अगर बहुत कम हो जाएगा तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इससे भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन मैंने आपको बताई थी हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए भारत इस वाले सिस्टम को अपनाता है। ओके, और देखिए इसमें क्या, हस्तक्षेप करके वो पुनः परिसीमन में लाने का प्रयास करता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम दो कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन में जो डॉलर है वो ज्यादा आ गया, मतलब उसका आगमन ज्यादा हो रहा है, और दूसरी कंडीशन में जो डॉलर है उसकी कमी हो गई, मतलब डॉलर कम आ रहा है। ओके, तो दोनों कंडीशन देखते हैं, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए पहली कंडीशन में क्या था, डॉलर ज्यादा आ गया, इसकी संख्या बढ़ गई, और दूसरी कंडीशन में क्या है, डॉलर कम है। तो देखिए पहली कंडीशन में जब ऐसा होगा, तो जब डॉलर ज्यादा आ जाएगा, मैंने आपको बताया था ना ससुराल वाला जो एग्जाम्पल, वो आपको याद होगा पार्ट नंबर 20 में। पार्ट नंबर 20 आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करिए, तो आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको ससुराल वाला एग्जाम्पल दिया था, वो आपको ध्यान आ गया होगा ना। जब डॉलर ज्यादा हो जाता है, जब वो ज्यादा हमारे भारत में आने लगता है, तो वो कमजोर हो जाएगा। ओके, और रुपया होगा वो मजबूत हो जाएगा। देखिए सारे एग्जाम्पल काम करते हैं, इसलिए एग्जाम्पल को अच्छे से सुना करिए, मैंने इसीलिए वो ससुराल वाला बहुत अच्छे से आपको सुनाया था, और आपको बहुत मजा भी आया था। ओके, तो देखिए ऐसी स्टोरियां होती है ना, वो आपके जो भी आपका अप्रोच होता है उसको बहुत ज्यादा क्लियर कर देती है, और आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि डॉलर होता है, जब डॉलर ज्यादा हो जाता है तो डॉलर कमजोर हो जाएगा और रुपया मजबूत हो जाएगा, ये भी हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब इसको रोकने के लिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम नहीं चाहते हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको ये डॉलर है ये कमजोर नहीं होने देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझ में आ गया ना, इसकी संख्या है डॉलर है, उसकी संख्या बढ़ गई है, इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, जब थोड़ा सा कम कर देंगे थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। ओके, तो इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो अतिरिक्त डॉलर है, जो अतिरिक्त डॉलर है इसको कम करना पड़ेगा ना, कम कौन करेगा, आरबीआई करेगी। तो इसको रोकने के लिए आरबीआई होती है, वो जो अतिरिक्त डॉलर होता है उसको बाजार से खरीदेगी। अब देखिए जो डॉलर है जो मार्केट में आ गया है, वो चाहती है कि मैं इस डॉलर को, जो अतिरिक्त डॉलर आ गया है हमारी मार्केट में, इसको मैं सोख लूं, खरीद लूं। खरीद के वो क्या करेगी, एक बक्से में रख लेगी इस डॉलर को, इस बक्से में रख लेगी। तो क्या हो गया, एक तरह से डॉलर कम हो जाएगा ना मार्केट में। जब डॉलर कम हो जाएगा तो वो कमजोर होने की जगह थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा ना, तो वो क्या करेगी, डॉलर ज्यादा से ज्यादा खरीदने का प्रयास करेगी मार्केट से। ओके, अब जब वो डॉलर को खरीदेगी तो किस में खरीदेगी, भैया रुपया में खरीदेगी ना, तो इससे रुपया तो मार्केट में आ जाएगा ना, अर्थव्यवस्था में रुपया ज्यादा आ जाएगा। जब ज्यादा रुपया आ जाएगा तो इससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होने लगेगी, तो मुद्रास्फीति भी ज्यादा उत्पन्न होगी, तो ये भी कंडीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इससे जो पुअर है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसके पास सरप्लस कम होता है ना, तो जो मुद्रास्फीति भी अच्छी नहीं है ना, तो वो क्या करती है, जैसे उसने डॉलर खरीदा, डॉलर खरीदने के लिए पैसे उसे देने पड़ेंगे इस मार्केट में, तो मार्केट में पैसा तो ज्यादा पहुंच गया ना, मार्केट में पैसा ज्यादा पहुंच गया, इससे मुद्रास्फीति बढ़ने लगी। अब उसको एक चैलेंज क्या है, इस मुद्रास्फीति को भी कम करना है। अब वो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए इस अतिरिक्त रुपये, जो अतिरिक्त रुपया है ना, इसको भी सोखेगी। अब इसको कैसे सोखेगी, आरबीआई इस रुपए को सोखने के लिए, मैंने आपको एक टूल बताया था मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, MSS। ओके, इस पर क्या होता है, इस पर जो ब्याज होता है, इस पर जो ब्याज होता है वो कौन देती है, आरबीआई अपने संसाधनों से देती है। अब आप लोगों को समझ में आया, हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई भी स्वतंत्र रूप से अकेला नहीं है, तो आप लोग कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं ना, आपने अगर सारी वीडियो देखे होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे आरबीआई एमएसएस का कहाँ कहाँ पर उपयोग करती है, किस तरह से वो रुपए को कम करती है। अब देखिए वो यहाँ पर नहीं चाह रही है ना कि रुपए किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था में पहुंचे, कहाँ पहुंचे, अर्थव्यवस्था में नहीं पहुंचना चाहिए ना, तभी वो एमएसएस स्कीम लेके आती है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम लेके आती है। ये कौन जारी करता है, देखिए इसको जारी तो गवर्नमेंट करती है, लेकिन इसका यूज कौन कर रही है, आरबीआई कर रही है, और इस पैसे को वो गवर्नमेंट को नहीं देती। अगर वो गवर्नमेंट को दे देती
तो जो पैसा था अंततः फिर से अर्थव्यवस्था में पहुंच जाता ना, तो मुद्रा स्फीति कम ही नहीं हो पाती। इसीलिए उसने इस टूल का उपयोग किया जिसके माध्यम से जो सारा पैसा आएगा वो आरबीआई एक बक्से में ला करके रख लेगी, इस बक्से में ला करके इस रुपए को रख लेगी, और इस पर जो ब्याज होगा वो आरबीआई अपने पास ही देगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो इसका यूज नहीं कर रही। इस देखिए इस टॉपिक के बारे में बहुत विस्तृत से आपको बता चुका हूँ, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के बारे में, तो यहाँ पर इसको दोबारा से डिस्कस करने का मौका नहीं है, ओके, क्योंकि इससे लेक्चर और ज्यादा लंबे हो जाते हैं। देखिए जब वो इस प्रोसेस को अपनाती है, देखिए इस प्रोसेस को अपनाती है, देखिए मैं फिर से क्लियर करके आपको दिखाता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले जब डॉलर ज्यादा हो गया था, डॉलर ज्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए उसने ये डॉलर खरीदा, जब डॉलर खरीदा तो इससे रुपया प्रभावित हुआ, यानी कि रुपया यहाँ पर बढ़ गया ना। अब इस रुपए को कम करने के लिए उसने क्या किया, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को जारी किया ना, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है कृत्रिम निष्फलीकरण। मतलब उसने कृत्रिम रूप से निष्फलीकरण कर दिया कि डॉलर को भी कम कर दिया और जो मुद्रा स्फीति बढ़ रही थी रुपए के ज्यादा हो जाने से उसको भी कम कर दिया, यानी कि उसने कृत्रिम रूप से निष्फलीकरण कर दिया। इसको आर्टिफिशियल सर्टिलाइजेशन बोलते हैं, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम निष्फलीकरण किसे कहते हैं, तो ये प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से आरबीआई जो डॉलर होता है उसको भी कम कर देती है मार्केट से, और रुपए जो जाकर प्रभावित होता है बाद में उसको भी सोख लेती है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं कृत्रिम निष्फलीकरण। अब देखिए देखते हैं हम दूसरा, जब डॉलर की कमी हो जाती है, ओके, डॉलर कम आता है तो इस अवस्था में क्या होगा, अब जैसे आप ससुराल में कम से आ रहे थे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तो क्या होगा, आप कम जाएंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, स्ट्रांग हो जाएंगे ना, कोई आपकी हवा करेगा, एकदम 56 प्रकार का भोजन मिलेगा, 5 स्टार वाली सर्विस मिलेगी, ओके, तो वो आपको ध्यान है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, डॉलर मजबूत हो गया ना और रुपया कमजोर हो गया, ये भी अवस्था हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो मैंने पार्ट नंबर 20 में बताया था। तो अब इसको क्या करना होगा, देखिए अब ये मजबूत हो गया, इसका मतलब क्या है, डॉलर की कमी है ना, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि इस डॉलर को थोड़ा सा कमजोर करना है, ज्यादा मजबूत हो गया, तो आप लोगों को समझ में आ गया ना कि डॉलर की संख्या है वो थोड़ी हमें बढ़ा देनी है, मतलब अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा डॉलर ज्यादा चला जाएगा तो ये थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, ज्यादा मजबूत नहीं होगा, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। तो आरबीआई क्या करेगी, इस डॉलर को बढ़ाने का प्रयास करेगी ना। अब इसको कैसे बढ़ाएगी, यही बड़ा चैलेंज है। देखो इसको बढ़ाने के लिए वो खुद भी प्रयास करेगी, आरबीआई जो उसके पास विदेशी मुद्रा कोष है, देखिए आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा कोष है, उससे वो डॉलर बेचेगी, उसमें देखिए डॉलर भी रखा हुआ है, तो डॉलर को वो अर्थव्यवस्था में बेचेगी, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि वो 6% से ज्यादा नहीं खरीद नहीं बेच सकती। इसका मतलब क्या है, अगर उसके पास विदेशी मुद्रा कोष है, अगर उसके पास विदेशी मुद्रा कोष $100 है, ओके, टोटल अमाउंट $100 है, तो उसमें से सिर्फ वो $6 को ही, $6 तक बेच सकती है, इससे ज्यादा नहीं बेच सकती है, एक कानून है, ओके। ऐसा थोड़ी ना वो 100 के $100 जा करके बेच देगी, फिर उसके पास तो जो विदेशी मुद्रा कोष है वो तो खत्म हो जाएगा ना, इसलिए ऐसा किया गया। और दूसरा क्या है, देखिए बैंकों को ब्याज दर ज्यादा देने को बोलेगी, किसको, गैर निवासी भारतीय, मतलब जो गैर निवासी भारतीय है वो भी भारत में आकर के अकाउंट खुलाते हैं ना, और उनकी जो जमा राशि होती है, जैसे उन्होंने बैंक में पैसे जमा किए, कहाँ पर, बैंक में, अब बैंक है इस जमा राशि पर रिटर्न भी तो देगी, मतलब ब्याज भी तो देगी, ब्याज किसको देगी, गैर भारतीयों को, तो ब्याज देगी तो क्या होगा, एक तरह से उनके पास क्या जाएगा, ज्यादा डॉलर जाएगा ना, क्योंकि वो विदेशी लोग हैं, भारतीय नहीं, देखे इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड ऐड किया गया, गैर निवासी भारतीय हैं उनको दिया जाएगा ज्यादा ब्याज, उनके उनकी जो जमा राशि होगी सिर्फ उसी पर ब्याज का जो दर होगा वो बढ़ा देंगे, इससे क्या होगा उनके पास ज्यादा डॉलर जाएगा, ज्यादा डॉलर जाएगा तो वो ज्यादा इसको खर्च करेंगे, तो मार्केट में एक तरह से फिर से डॉलर पहुंच गया ना। दूसरे क्या करेंगे, जो भारतीय कंपनियां हैं, जो भारत में कार्यरत कंपनियां हैं उनको ज्यादा ऋण लेने की अनुमति देगी आरबीआई। जैसे जो भारत है, ये भारत है मान लीजिए, अब इसके अंदर एक्स कंपनी है, इससे बोलेगी तुम जाइए इस विदेश से जाकर के आप लोन ले सकते हैं, जब ये विदेश से जाकर के ऋण लेगी, जब विदेश से जाकर के ये ऋण लेगी तो ऋण किस में लेगी, विदेशी मुद्रा में ही तो लेगी ना, तो ये डॉलर में ऋण लेगी, जब ये डॉलर में ऋण लेगी और ऋण लेकर के कहाँ आएगी, भारत में आएगी, और भारत में तो ये डॉलर का उपयोग नहीं कर सकती ना, तो ये डॉलर किसको दे देगी, आरबीआई को दे देगी, आरबीआई के पास फिर डॉलर ज्यादा आ गया ना, और ये किसका उपयोग करेगी, रुपए का उपयोग करेगी, आरबीआई के पास ज्यादा डॉलर आ गया और इसका क्या निवेश हो गया ना, तो एक तरह से फिर से डॉलर की संख्या तो बढ़ रही है ना,
संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वो तीसरा क्या कर सकती है, जो भारतीय कंपनियां हैं उनको ज्यादा ऋण लेने की अनुमति दे देती है। कहां से? बाह्य स्रोतों से। ऐसा नहीं है घरेलू घर से ज्यादा ऋण ले लो, वो कहती है बाह्य स्रोतों से, अन्य देशों से या अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं जो बाहर हैं, उनके विदेशी वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे आप जाकर के ऋण ले सकते हो। और चौथा क्या कर सकती है, आरबीआई भारतीय बैंकों को दिशा निर्देश दे सकती है कि जो अनिवार्य वस्तुएं हैं, यानी कि जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उन पर जो आयात होता है उस पर बाजारी मूल्यों से कम पर डॉलर की आपूर्ति कराए। इसका मतलब क्या है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि खाद्यान्न वाली चीजें हो गई या जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, ओके, तो ये क्या हो गया, ये आवश्यक वस्तुएं, इन्हें हमें मंगाना ही मंगाना है, तो इनके आयात पर जैसे डॉलर है, डॉलर की कीमत, एक डॉलर कीमत अभी 70 रुपए चल रही है, तो वो कहती है आप एक डॉलर 60 रुपए का ही दे दो। एक डॉलर बाजारी मूल्य क्या है, ये क्या है, बाजारी मूल्य चल रहा है ना, तो वो कहती है बाजारी मूल्य से कम पर ही आप डॉलर है उसकी उपलब्धता कराओ। तो लोग सोचेंगे यार कम, हमें बाजारी जो मूल्य है उससे कम पर डॉलर मिल रहा है ना, तो वो आयात बढ़ाने का प्रयास करेंगे ना एक तरह से, तो क्या होगा, इससे हमारा जो आयात है वो प्रभावित नहीं होगा ना। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना, जब विदेशी मुद्रा मजबूत होने लगती है तो इससे हमारा आयात प्रभावित होता है ना, तो इससे आयात प्रभावित नहीं होगा, जिससे हमारे देश में वस्तुओं की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात वो क्या देती है कि जो गैर अनिवार्य वस्तुएं हैं, देखिए यहाँ पर मैंने शायद ऐड नहीं किया है, यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर आप सुन लीजिए, जैसे देखिए अनिवार्य वस्तुओं पर उसने क्या दिया कि जो बाजारी मूल्य है ना उससे कम पर आप आपूर्ति कराओ, लेकिन जो गैर अनिवार्य वस्तुएं जैसे कि गोल्ड हो गया, जैसे गोल्ड हो गया ये हमारे लिए अनिवार्य थोड़ी ना, इसको हम नहीं लेंगे तो हम मर थोड़ी ना जाएंगे, ओके। इसके अलावा जैसे खाने वाली चीजें हो गई, ऊर्जा हो गया, ये हमारे लिए अनिवार्य है, ओके, नेसेसरी है, लेकिन गोल्ड नेसेसरी नहीं है, तो इसके आयात पर वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेगी, इसको कम करने का प्रयास करेगी। यानी कि गैर अनिवार्य वस्तुएं होती हैं उन पर आयात कर होता है उसको बढ़ा देती है और उसको अपने देश में नहीं आने देती है। अब तो इसमें क्या होता है, देखिए जब हम गोल्ड को खरीद रहे हैं, जब हम गोल्ड को अपने देश के अंदर लेके आ रहे हैं, तो हम जब इसको खरीद रहे हैं तो इसका हमें पैसा भी तो पे करना पड़ेगा, तो पैसा किस में पे करेंगे, हम डॉलर में मुद्रा पे करेंगे ना, क्योंकि हम जिस देश से इस गोल्ड को लेके आए हैं वो रुपया तो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, क्या एक्सेप्ट करेगा, डॉलर, तो हमारे देश से तो डॉलर जा रहा है तो और कम हो जा रहा है ना, तो इसीलिए हम चाहेंगे कि ये गोल्ड कम से कम खरीदा जाए। कम से कम खरीदने के लिए हम इस पे हैवी टैक्स लगा देंगे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, गोल्ड कम खरीदेंगे, जब गोल्ड कम खरीदेंगे तो हमारे यहाँ से जो डॉलर है वो भी तो कम जाएगा ना, तो हमारे यहाँ जो डॉलर है उसकी आपूर्ति बनी रहेगी, ओके। विदेशी निवेश है, इसके नियमों को सरल बना देगी आरबीआई है, विदेशी निवेश को सरल बना देगी, तो इससे क्या हो गया, जैसे हमारा देश है, विदेशी निवेश अगर हम जो नियम है उसको सरल बना देंगे तो लोग ज्यादा लोग आएंगे और निवेश करेंगे, जब निवेश करेंगे बाहर के लोग तो वो अपने रुपया तो लेके नहीं आएंगे ना, डॉलर लेके आएंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था में एक तरह से डॉलर फिर बढ़ जाएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया था, देखा नहीं था, देखिए गैर अनिवार्य वस्तुएं उनके आयात पर गतिरोध लगाएगी, गतिरोध कैसे लगाएगी, जैसे वो टैक्स लगा सकती है, कोई लिमिटेशन लगा सकती है कि इससे ज्यादा आप लोग नहीं मंगा सकते, तो इस तरह से वो कम ज्यादा करने का प्रयास करेगी। अब देखिए हम लोग तीसरी वाली प्रणाली देखते हैं, पिग सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको कौन अपनाता है, चीन अपनाता है। देखिए इसमें कह दिया जाता है मांग आपूर्ति कुछ भी नहीं है, इसमें वो कह देती है जैसे एक डॉलर आज, जैसे एक डॉलर अगर मानते जैसे हमारा देश है अगर इसको अपनाता तो क्या होता, जैसे एक डॉलर वो कह देता आज 1 रुपए के बराबर होगा, ओके, वो कह देगा कि अब 1 महीने के बाद उसको लगा कि डॉलर है वो हमारे पास 50 रुपए के बराबर होना चाहिए था, तो 50 रुपए के बराबर होगा, यानी कि जो गवर्नमेंट है यानी कि केंद्रीय सरकार, वो सारी जो केंद्रीय बैंक है वो डिसाइड करती है अपने अनुसार कि 1 डॉलर हमारी घरेलू मुद्रा में कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यू वो खुद डिसाइड करती है, यानी कि इसमें मांग और आपूर्ति, जो आपूर्ति है और मांग है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका कोई मतलब नहीं है कि विदेशी मुद्रा कितनी आ रही है और कितनी कम आ रही है फिर कितनी ज्यादा आ रही है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसमें जो भी गवर्नमेंट तय कर देगी कि आज 1 डॉलर है वो इतने रुपए के बराबर हो गया या फिर इतनी मुद्रा के बराबर हो गया, तो जैसे उसने कह दिया 1,000
रुपए के बराबर हो गया तो वो इतनी ही मानी जाएगी, क्योंकि जैसे डॉलर है वो सॉरी चीन है, चीन की मुद्रा क्या है, एन है। ओके तो वो डिसाइड कर देता है कि $1 इतने एन के बराबर होगा तो उतना ही होगा। इसमें मांग और आपूर्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाजारी ताकतों का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। तो आप लोग समझ गए क्लीन फ्लोट सिस्टम में क्या होता है। इसमें जो मांग और आपूर्ति होती है, मांग और आपूर्ति होती है, इसके आधार पर जो विनियमन दरें इसका निर्धारण होता है, इसका निर्धारण होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक परिसीमन तय कर दिया जाता है, उस परिसीमन से पहले आरबीआई कोई हस्तक्षेप नहीं करती है और ये फ्री फ्लोट सिस्टम की तरह काम करता है। लेकिन जैसे ही परिसीमन को वो पार करता है तब इसमें आरबीआई हस्तक्षेप करती है। हस्तक्षेप करने का उसका उद्देश्य होता है कि इसे दोबारा से परिसीमन के अंदर लाया जाए, जिससे एक सतत विकास होता रहे, क्योंकि हमारा देश विकासशील है। और डॉलर है वो किस तरह से कम ज्यादा करती है, इसमें अभी हम लोग बात कर चुके हैं। फिक्स्ड सिस्टम में क्या होता है कि जो वहां की गवर्नमेंट होती है या फिर केंद्रीय बैंक होती है वो खुद डिसाइड करती है कि जो विदेशी मुद्रा है उसकी तुलना में हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो खुद डिसाइड करती है। इसमें मांग और आपूर्ति जो पिग्ड सिस्टम है इसमें मांग और आपूर्ति इसका कोई प्रभाव, इसका प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि अगर मांग बढ़ती है या कम होती है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपूर्ति बढ़ती है या कम होती है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके तो चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप लोग कनेक्ट कर पाए होंगे, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा हुआ होगा। इसीलिए मैंने पहले आपको वो वाला पार्ट नंबर 20 बता दिया था प्रभाव के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट था। ओके तो आप लोगों ने यहाँ से कनेक्ट किया तो अच्छे से आपकी कनेक्टिविटी बन गई, क्वेश्चन को आप आराम से आंसर कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।